कि आखिर आप इतने रात में इस कमरे में क्या करने जाती है? कहाँ रह गई थी? हमारा नाम है इक्षाधारी महाराज। अगर वो खजाना तुमने पाताल में दबा रखा है ना, तो भी निकाल लूंगा मैं। जैसे ही खजाने के बारे में पूछो, इनकी आवाज बंद। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सासुमा इस कमरे में ऐसा क्या करने जाती है? वो भी चोरी छुपके। फिर इस कमरे में है क्या जो हमें नहीं पता? लगता है अंदर से दरवाजा लॉक करके रखी है। क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? ये सवाल तो हमको आपसे करना चाहिए कि आखिर आप इतने रात में इस कमरे में क्या करने जाती है? ना किसी को अंदर जाने देती है, ना किसी को और बाहर भटकने देती है। आखिर है क्या इस कमरे में ऐसा? बोलिए ना, हम तो आपकी बहू है, हमें तो पता होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये पता होने की कि इस कमरे में क्या है और मैं यहाँ क्या करने चाहती हूँ। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि तुम इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। अपने काम से काम रखो, समझी? जाओ सो जाओ जाके। अरे मेरी रानी, कहाँ रह गई थी? हाँ कहाँ थी तुम? अरे 10 बार तो परफ्यूम छिड़क चुके हैं, आधा बोतल खाली कर दिए हैं। ना चलो यार, तुमको तो दिन रात से रोमांस ही सोचता है। तुमको पता है आज हमने फिर से माजी को उस कमरे में जाते हुए देखा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा ना कि उस कमरे में क्या है, तो हम पे गरमाने लगे। भगवान ही जाने आखिर उस कमरे में क्या है। अरे 50 बार तुमको बता चुकी है नीलम रानी, पुश्तैनी कमरा है हमारा। पापा जो सामान यूज किया करते थे वो वहां रखे हैं, इसलिए हम जाती हैं वहां पे। बड़ा छोड़ो, चलो बस करते हैं। नहीं, हम थक गए, हमको नींद आता। अच्छा तो हम आपकी थकान दूर कर दें? टेन टेन है। ये क्या है? खुद ही देख लो। वाह, लेकिन एक बात बताओ, इस चेन के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नीलम रानी, अम्मा की तरह तुम भी हमको नल्ला और नकारा समझ के बैठी हो। अरे आप आम खाओ, गुटली क्यों गिननी है? पहन के बताओ कैसा लगा? तुम ही पहना दो। सही है। कैसी लग रही? बहुत अच्छा।
रेनो कौन है? बिजली विभाग के तरफ से कनेक्शन काटने के लिए नोटिस आया है। 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम हर महीने रवि को पैसे देते हैं बिजली का बिल भरने के लिए। भैया का तो हर बार का यही है माँ, आप उन्हें पैसे देती हैं और वो आपके पैसे अपनी बीवी पर खर्च कर देते हैं। रवि बाबा, बिजली का बिल भरा तूने? हाँ, वो तो कभी का भर दिया। झूठ बोल रहा है तू। ये देख, बिजली विभाग से नोटिस आया है, 3 महीने से बिल नहीं भरा है तूने। माँ, वो दरअसल मैं। अरे वाह भाभी, सोने की नई चैन, लगता है बिजली के बिल के पैसे सुनार का दुकान पे चला गया है। रेनू, क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो? अरे सच्ची तो बोल रही है ना, कमाई 1 रुपए की नहीं है तो फिर ये चैन कहाँ से आई? वो लॉटरी में इनाम के पैसे मिले थे ना, उसे से खरीद के लाया हूँ मैं। अच्छा, अरे तेरी करतूतों से रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हम तुझे घर के सामान के लिए पैसे देते हैं और तू अपनी पत्नी का शौक पूरा कर रहा है। आज से तू अपना और अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठाएगा। माँ कैसी बात कर रही हो? पापा के पेंशन के 50,000 आते हैं, इतना पैसा रख के क्या करोगी? अरे कुछ तो शर्म कर, इतना बड़ा हो गया है और काम काज करने के बजाय अपने बाप के पेंशन के पैसों पर आंखें गड़ाए बैठा है। तो माँ जी, इसमें बुराई क्या है? आखिर माँ बाप के पैसों पे बेटे का ही तो हक होता है ना। हम भी ससुराल में रहते हैं और अपने पति के कमाई खाते हैं, सास ससुर के पेंशन पर नहीं जीते हैं। अच्छा, ताने मार रही हो? 4 दिन के लिए मायके आई हो, अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती? हमसे ना उलझना, समझी तुम? नीलो, नीलो। हम कह रहे थे कि ये हटा लो, गर्दन कट जाएगी हमारी। रवि, हमारी ना एक बार कान खोलकर सुन लो तुम। हम यहाँ तुम्हारी माँ बहन के ताने सुनने नहीं आए, समझे तुम? या तो काम करना शुरू करो, पैसे कमाओ, या तो हमें अपने मायके छोड़ा। कर तो रहे हैं कोशिश नीलम। कोशिश नहीं रवि, कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, समझे तुम? नीलम, नीलम, चाय देना भैया। उसकी किच-किच, दिमाग खराब हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो नीलम तो शर्तियां छोड़ के चली जाएगी हमको। ये क्या तरीका है? हमारा नाम है इक्षाधारी महाराज और यही हमारे जीने का अंदाज है। अच्छा अंदाज है, दिन ही खराब है आजकल। कमाई 1 धेले की नहीं, ऊपर से घर के इतने सारे कलेश। तुम्हारी हर समस्या मेरी दृष्टि के सामने है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता? हमने अभी तुमसे कहा ना कि हमारा नाम है इक्षाधारी महाराज। तुम्हारा अतीत, वर्तमान, भविष्य सब हमें दिख सकता है। माफ करिएगा बाबा, आपको पहचानने में उनसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। हमारा नाम रवि है ना? हाँ पापा, आपको हमारा नाम कैसे मालूम चल गया? हमने कहा ना
कि हमारा नाम है इक्षाधारी महाराज। सब दिखता है, अब ये सवाल दोबारा मत पूछो। तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं रवि, उन सब की जड़ तुम्हारे घर के भीतर है और उसके निवारण के लिए मुझे तुम्हारे घर आना होगा। तो बाबा चलिए ना, घर तो बगल में ही, बाबा चलिए ना। इक्षाधारी बाबा के कहीं पर भी पहुंचने का एक निश्चित समय, निश्चित तिथि और निश्चित मुहूर्त होता है। हम आज रात्रि 8 बजे तुम्हारे घर पहुंचेंगे। जी बाबा, इंतजार करेंगे बाबा। उदासी छोड़ो, प्रसन्न रहो, तुम्हारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। जी बाबा, जाओ चाय पियो। कृपया बाबा। बाबा को आ जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन तुम कब से बाबा इनो की बात मानने लग गए? अरे कोई मामूली बाबा नहीं है, जब मिलोगे ना तब समझ में आएगा, बहुत पहुंचे हुए इच्छाधारी बाबा हैं। अच्छा एक बात बताओ, माँ और रेनू को कमरे में मेहनत में? हाँ लग रहा है, हम देख के आते हैं। नीलम पैर तो छुओ। बाबा जी अब तो हमारी समस्याओं का कोई हल निकालिए। जी बाबा जी, इस मुट्ठी पर अपना हाथ रखो। हमने कहा था ना रवि, तुम्हारा समय बदलने वाला है, सौभाग्य जाग गया है तुम्हारा। इस घर में कहीं ना कहीं खजाना गड़ा हुआ है। कौन सा खजाना बाबा, कहाँ है खजाना? रवि इतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, खजाना है ये सत्य है, कहाँ छुपा है ये तुम्हें ढूंढना है। लेकिन बाबा मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा खजाना? कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये पता होने की कि इस कमरे में क्या है और मैं यहाँ क्या करने चाहती हूँ। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि तुम इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, अपने काम से काम रखो, समझी? ऐसे कैसे पता लग पाएगा? एक मिनट जिस कमरे में जाती थी ना, जरूर कुछ वहाँ पे है, खजाना वहीं पे होगा। तुम्हें याद है भाजी हमें उस कमरे में जाने भी नहीं देते थे, उनके गले में वो चाबी वो चेन उसी कमरे का है, पर तुम हमारी सुनते नहीं थे। कहता तुम सही रही हो, इसका मतलब खजाना उसी कमरे में। सारी बातें अकेले में कर लोगे या हम भी सुन सकते? हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, आप सही कर रहे हैं बाबा जी, खजाना इसी घर में है। तो हमारा कर्म हुआ पूरा, तुम्हारे सौभाग्य को जगाने आए थे। हमें हमारी दक्षिणा दी जाए, मात्र 20,000 रुपये। सर बाबा 20,000 तो नहीं है हमारे पास। कमाल करते हैं रविया, हमने आपको करोड़ों अरबों का खजाना बता दिया, मात्र 20,000 रुपये में संकोच कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं,
अगर संभव है तो हमारी कृपा के बगैर आप एक खजाना ढूंढ लीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। नहीं बाबा रुक जाइए, मैं कुछ करता हूँ। सुना, ये सोने की चैन है ना, बाबा जी को दे दो। हाँ? ये चैन तुम हमारे लिए लाए थे, हम नहीं देने वाले। अरे धीरे बोलो, बाबा जी सुनने में तो गुस्सा हो जाएंगे। खजाना मिल जाएगा 20 दे देंगे तुमको, ऐसी चैन है। तो इनको चैन लाए तो वो भी हमसे ले रहे हो। दे देंगे, फिर से दे देंगे। दे दो बाबा जी, ये चैन सोने की चैन है, पूरे 20,000 की। बाबा जी ये रख लीजिए आप। ये दक्षिणा मेरे लिए वो प्रसाद है जो तुम पर फलीभूत हो गया। रवि, खजाना तुम्हें अवश्य मिलेगा, हम फिर आएंगे। जी बाबा जी, आइए आइए बाबा जी। माँ जी, इस समय कौन आया था? अरे नहीं माँ, इस समय कौन आएगा, हम दोनों टहलने गए थे। हाँ माँ, आपने दवाई खाई, खाना खाया? हाँ। तो आप आराम करिए ना। मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट माँ जी, चलो। हाँ। जरूर अंदर होगी। हाँ। अब तक ये रास्ता सिर्फ हमें पता था, और अब के बाद तुम्हें भी पता है, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए माँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। देखा माँ जी, ने इस खजाने के बारे में सिर्फ रेनू को बताया, अपने बेटे को नहीं। ऐसा ना हो कि सारा खजाना वो अपनी बेटी को दे दे और हम दोनों हाथ मलते रह जाएं। ऐसा होने नहीं दूंगा। पर उसके लिए पहले हमें यहाँ से रेनू को भगाना होगा, क्योंकि वो हमारे रास्ते का कांटा बन रही है। उसके बाद ही हमें कुछ करना होगा। चलो चलो। निकलो जल्दी, काम शुरू करना है। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आओ। आ रहे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ
विनय का एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी निकलना होगा। तू घबरा मत बहू, जल्दी से जाके रवि को बुला लो, वो रेनू को अस्पताल छोड़ देगा। हाँ माझी, तू घबरा मत। पर माझी, रवि तो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। हे भगवान, ये लड़का कभी भी समय पर घर पे नहीं रहता। कोई कोई बात नहीं, हम चलते तुम्हारे साथ, चलो। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आप आराम करो, मैं चली जाऊंगी अकेली। मेरी संभाल के जाना। अरे अपना ध्यान रखना। अरे माझे, प्लीज संभालिए अपने आप को। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप कमरे में जाके आराम कीजिए, ठीक है? बाहर आ जाइए, रेनू चली गई है। माजी को मैंने कमरे में भेज दिया है, लेकिन चाबी कैसे निकालेंगे कमरे से? माँ के गले से चाबी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरे पास एक प्लान है। क्या? दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो बाहर चला गया था ना, शाम को आने वाला था। माँ वो जैसे ही नीलम का कॉल आया ना कि रेनू के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं भागा चला आया तुरंत। हाँ वही, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। एक काम करना, मुझे अस्पताल ले चल, रेनू अकेली होगी। नहीं माँ, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। हाँ तो तुम अस्पताल चले जाओ और वहाँ जाकर ना मुझे फोन कर देना, मुझे रेनू से बात करनी है। हाँ 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 बिल्कुल ना, अब आप आराम कर लीजिए। ठीक है। थे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? अरे डुप्लीकेट चाबी बननी रही थी, काफी दूर जाना पड़ गया। ठीक है जल्दी से खोलो, जल्दी खुल गया, खुल गया, जल्दी खुल गया, जल्दी खुल गया। ऐसा करो, तुम इस साइड देखो, मैं उस साइड देखता हूँ। चप्पा छान बनाया, कुछ भी नहीं मिल रहा। न जाने कहाँ दबा रखा है खजाना।
हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? पहले तो आप ये बताइए कि आपने खजाना कहाँ छुपा के रखा है? क्या खजाना? हाँ, वही खजाना जो इस कमरे में आपने सालों से दबा के रखा है। देखो माँ, उसे चुपचाप प्यार से हमें दे दो, क्योंकि उसके हक तो हमारा ही है। अरे लेकिन कैसा खजाना? अरे भांग पी रखी है दोनों ने, इसीलिए इतनी बेकी बेकी बातें कर रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना, ये इतनी आसानी से नहीं मुंह खोलेंगी। कोई बात नहीं नीलम, क्या है कि जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। पकड़ो इन्हें। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो बे रवि, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो। मैं बोल रहा हूं, चुपचाप बैठी रहिए आप। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन है? पता नहीं कौन है, ले लो कॉल। हेलो रेनू। हाँ भैया। अरे किसी ने हमारे पति के एक्सीडेंट की झूठी खबर दी थी और फालतू में ही हम सब परेशान हो गए। अच्छा भैया, हम माँ को कब से फोन लगा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। अरे वो यहाँ नहीं है माँ, वो हमारे किसी रिश्तेदार का निधन हो गया, वो वहाँ पे गई हुई है। कौन से रिश्तेदार? हेलो रेनू, हेलो हेलो, आवाज नहीं सही पड़ी तुम्हारी। अरे मैं नेटवर्क में आके फोन करता हूँ तुमको। बहुत पता लगाना चाह रही थी इनके बारे में, जासूस कहेंगी। माँ से बात करो, माँ से बात करो, कह रही थी। सौ की सीधी एक बात माँ, अगर वो खजाना तुमने पाताल में दबा रखा है ना, तो भी निकाल लूंगा मैं, चाहे मुझे पूरा घर क्यों ना खोदना पड़े। रवि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे हमें किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं पता है। अब पता चलेगा, चलो। अरे 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 चलो रवि, रवि खोलो हमें। रवि छोड़ दो मुझे, रवि यहाँ कोई खजाना नहीं है, हमें छोड़ दो। रवि हमें बहुत दर्द हो रहा है, रवि छोड़ दो। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। पानी। प्यास लगी थी ना आपको, लीजिए पानी पी लीजिए। बहुत प्यास लगी होगी ना, लीजिए लीजिए पीजिए 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 लीजिए ना। आ आ आ पानी तो खत्म हो गया माँ जी। वैसे एक बात बताऊँ, अपनी इस हालत की जिम्मेदार ना तुम खुद हो। बस एक बात बता दो, खजाना कहाँ है, फिर पानी में जूस पिलाते हैं तुमको। नहीं पता कोई खजाना। अरे माता जी, एक नंबर की ढीठ है आप। दो दिन से कमरे में बंद पड़ी है, भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा इनका। हमें नहीं पता सच, हम किसी खजाने के बारे में नहीं जानते। देखते हैं कब तक अपना मुंह नहीं खोलती हैं। बाबा दो दिन हो गए, माँ ने खजाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया, समझ में नहीं आ रहा कैसे जुबान खुलवाए उनकी। बाबा जी अब आप ही कुछ रास्ता बताइए, हम तो बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हो रहे हो तुम? हम तुम्हारी परेशानी दूर ही करने तो आए है ना।
हमारे आने का कारण ही ये है कि तुम्हारी सारी समस्याओं को समाप्त किया जाए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस घर में रहकर एक विशेष पूजा करनी होगी और उस पूजा के परिणाम स्वरूप तुम्हारी माँ खजाने का सारा सच बताएंगी। लेकिन उस पूजा के लिए हमें एक प्रबंध भी करना होगा और उस प्रबंध के लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी। धन? बाबा जी धन ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए में इतने में काम हो जाएगा। क्या 10,000? 10,000 बाबा कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है तो फिर पूजा करने का कोई औचित्य नहीं है रवि, क्योंकि विलम्ब अगर हुआ, सही मुहूर्त पे पूजा नहीं हुई तो परिणाम हमारे मन माफिक नहीं आएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं बाबा, 2,000 है, बाकी का शाम तक दे देंगे। 2,000 में रवि, चलो कुछ मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, लेकिन शाम तक पूरा प्रबंध कर लेना। जी जी बाबा, ठीक है। नीलम, इस वक्त कौन हो सकता है? देखो जरा, हम देख के आते हैं। रेनू, तुम हमारा मतलब है, तुम इतने जल्दी कैसे आ गई? भाभी, हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था। दरअसल बात यह है कि ये कौन है? रेनू, ये ना इच्छाधारी महाराज है, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है ये। और रेनू, तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? आओ, बाबा के आशीर्वाद तो ले लो कम से कम। हाँ हाँ, जाओ आशीर्वाद लो। आ जाओ, जाओ जाओ। भैया, हम माँ के लिए बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह फोन कर लिया पर माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। अरे रेनू, तुम झूठ मूठ का परेशान हो रही हो, अभी तो हमारी बात हुई है माँ से। अपने जो हरिद्वार वाले चाचा जी है ना, उन्हीं के हैं वो। हाँ हाँ, कौन हरिद्वार वाले चाचा जी? हम तो ऐसे किसी चाचा जी को नहीं जानते। आप माँ से हमारी बात करवा दीजिए, हमें संतोष हो जाएगा। रेनू, अभी बात हुई है, अब बार बार माँ को कॉल करेंगे तो माँ परेशान नहीं हो जाएगी, बताओ? हाँ हाँ रेनू, परेशान हो जाएगी ना वो। तो फिर ठीक है, जब तक हमारी माँ से बात नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे ये तो यही खूटा गाड़ के बैठ गई है, अब क्या करेंगे? हाँ, लेकिन अगर इसको जबरदस्ती भगाया तो इसको शक हो जाएगा, खजाने का मामला रिस्क नहीं ले सकते। बाबा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे निश्चिंत रहो बाबा, इच्छादारी यहाँ विराज, कुछ भी अनिष्ट और अनर्थ नहीं होगा। रेनू जी यहाँ आ गई है तो नहीं आ रहे ना, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करके आते हैं, ठीक है? आते हैं ना। पानी सर के ऊपर जा रहा है, बता दो खजाना कहाँ है? वरना ठीक है मामा, जमीन खोद खोद के थक चुका हूँ मैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, जैसे ही खजाने के बारे में पूछो इनकी आवाज बंद। बता दो खजाना कहाँ है वरना मार दूंगा तुम्हें। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी तो सब लोग सो गए हैं। दरवाजा खुला है पर माँ तो यहाँ नहीं है, और माँ तो ये दरवाजा हमेशा बंद रखती है, फिर अंदर कौन है?
मेरा दिमाग गरम हो रहा है, बता दे खजाना कहाँ है वरना ठीक नहीं होगा। कि माँ घर पर नहीं है। ज्यादा ना शोर करने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या तुम लोगों ने कर रखा है रवि? बाबा इच्छादारी के रहते हुए ऐसा नहीं, गलत बात। एक काम करो, तुम और नीलम जी माता जी को संभालो शांति से, ठीक है? जब तक हम तुम्हारी बहन को संभालते हैं, ठीक है? नहीं संभाल लोगे ना? आओ तो मैं हम बता नहीं, रहे हैं क्या हो रहा है। चलो हम बता रहे हैं। रेणु जी आप चलिए इधर, हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है। चलो 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 रेणु जी आइए। हदत वाह, आप हम और ये बिस्तर। ये गए बाबा जी। किसको जाने दे? तुम्हें ना जाना है, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलना है, लेकिन उससे पहले तुम हमें हमसे मिला। यही अदाएं तो बड़ी कातिलाना होती है। हाँ हाँ पक्का 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 तुम्हें जाने देंगे। देखो नीचे तुम्हारे भाई माँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे ना। सुनो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे खजाना चाहिए, कुछ भी करके, कुछ भी करके खजाना चाहिए मुझे, समझ रही हो तुम? मां बताओगी कि नहीं कि खजाना कहाँ है? मां बता दो खजाना कहाँ है। नहीं पता। नहीं मानोगी ना तो? नहीं मानोगी? जान ले लूंगा तेरी माँ। बता दो खजाना कहाँ है वरना मार लूंगा तुझे। माँ बता दे खजाना कहाँ है। माँ अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बता दो खजाना कहाँ है। हेलो पुलिस स्टेशन। रवि ये तो मर गई। मार डाला तुम लोगों ने माँ को। माँ रवि इसे भी ठिकाना लगाना होगा। हमारे हाथ खजाना लगे या ना लगे, लेकिन अगर इसका मुंह खुल गया ना तो हम दोनों तो जेल जाना पक्का है। बहुत याद आ रही ना तुझे माँ की? भैया भैया नहीं भेजता हूँ तुझे माँ के पास। हमारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। बेटा साहब इन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। बोल, तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों की? माने उस रूम में खजाना छुपा के रखा, मैंने बहुत पूछा नहीं बताया, मार डाला। माँ जी सारा खजाना अपनी बेटी को देना चाहती थी, उन्होंने कभी अपने बेटे के बारे में सोचा ही नहीं। खजाना? कौन सा खजाना? नाटक मत करो, तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि उस कमरे में खजाना था, समझी? इसीलिए वो हमें जाने नहीं देती थी, बल्कि उस कमरे का चाबी भी वो अपने गले में बांध कर रखती थी हमेशा से। उस कमरे में कोई खजाना नहीं है भाभी, बल्कि माँ उस कमरे में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए जाती थी ताकि आपकी गोद भर जाए। और माँ ने कुल देवता के सामने अखंड जोत जला के मन्नत मांगी थी
कि जब तक आपका गोद ना भर जाए तब तक वो उस जोत को बूझने नहीं देगी। और इसीलिए उस दरवाजा को बंद रखती थी। लेकिन बाबा जी ने तो हमें बताया था कि खजाना उस कमरे में। अरे मैंने बताया था तो तुमने मान लिया? क्या खजाना आदमी है? अपने अपनी कोई अकल नहीं, कोई खजाना होता है तो खजाना होता तो मुझे कहां से मालूम होगा? सर मुझे मत मारिएगा, मैंने अपराध किया है सर, मैं मानता हूँ, लेकिन इस हत्याकांड में ये लोग शामिल है, मैं नहीं। सर देखिए मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है इन जैसे बेवकूफों की वजह से चलती है सर। मैं पहले लोगों के घरों पे निशाना साधता हूँ सर। लेकिन इस बार तो मैं ही फंस गया इन कंगलों के चक्कर में, कुछ नहीं इनके पास, तो मैंने कहा भागते भूत के लंगोटे जो मिले लेके चलो। लेकिन सर ये नहीं किया मैंने, इसमें मैं कहीं शामिल नहीं हूँ। ये कोई बाबा नहीं है, ढोंगी है ये, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है इंस्पेक्टर साहब। शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसी माँ को अपने हाथों से मार डाला, वो भी उस खजाने के लिए जो है ही नहीं। पांडे इन सब को ले चले और जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम। चलो ले चल, 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 चल।